हेलो, आई एम संदीप देशमुख फ्रॉम singerbano.com। आज हम बात करेंगे लय और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लय के बारे में बात करते हैं। ताल के दो मात्राओं के बीच का समान अंतर या गति को लय यानी टेम्पो कहते हैं। लय के प्रमुख तीन प्रकार यानी टाइप्स होते हैं, मध्य लय, विलंबित लय और द्रुत लय। मध्य लय, मध्यम स्वरूप की लय को मध्य लय कहते हैं। किसी भी लय को समझने के लिए सेकंड में समझना बहुत जरूरी है। एक सेकंड एक मात्रा मध्य लय, उसको ताल में समझिए। ताल दादरा मात्रा छः, एक दो तीन चार पाँच छः, धा धी ना धा ती ना धा, छः मात्रा छः सेकेंड। विलंबित लय, मध्य लय से आधा कम या उससे भी कम लय को विलंबित लय कहते हैं। जैसे चार सेकेंड में एक मात्रा या तो दो सेकेंड में एक मात्रा, उसको दादरा में कैसे समझे देखिए। धा धी ना धा ती ना धा मात्रा, एक दो तीन चार पाँच छः, छः मात्रा चौबीस सेकेंड। द्रुत लय, मध्य लय से दुगनी या उससे ज़्यादा लय को द्रुत लय कहते हैं। एक सेकेंड में तीन मात्रा या चार मात्रा, तो उसको ताल दादरा में समझें। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, धा धी ना धा ती ना धा, दो सेकेंड में छः मात्रा। अब हम एक टेबल में देखते हैं एक ही ताल को तीनों लय में कितना समय लगता है। जैसे ताल दादरा छः मात्रा, मध्य लय में छः सेकेंड, विलंबित लय में चौबीस सेकेंड और द्रुत लय में दो सेकेंड। ताल कहरवा मात्रा आठ, मध्य लय में आठ सेकेंड, विलंबित लय में बत्तीस सेकेंड और द्रुत लय में दो सेकेंड। अब हम देखते हैं कौन सी लय का कहाँ उपयोग होता है। मध्य लय, क्लासिकल सेमी क्लासिकल में मध्य लय का उपयोग किया जाता है। विलंबित लय, सिर्फ क्लासिकल में विलंबित लय का उपयोग किया जाता है। द्रुत लय, क्लासिकल लाइट म्यूजिक बॉलीवुड इत्यादि में द्रुत लय का उपयोग किया जाता है। आपको ताल की जानकारी चाहिए, ऊपर लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले लेसन में।